कनाडा अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बंद होने जा रहा है। और आपके मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट, ये न्यूज पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा, और आप लोग इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग सीधा देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये लिखा हुआ है कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और ये 30 अगस्त की न्यूज है जो कैनेडा की न्यूज एजेंसी है इमिग्रेशन न्यूज canada.ca यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा ऐसी न्यूज आपको जो है डेली बेसिस पे सुनने को मिल रही है, तो क्या आने वाले टाइम में सच में कनाडा बंद होने वाला है, और ये जो कैपिंग करने का प्रपोजल दिया गया है, किसने प्रपोजल दिया है, इसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो कैप ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली न्यूज आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पिछले 4-5 दिन से चल रही है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या जैसे हमारी इंडिया की अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें तो वहां पर भी ये जिक्र किया गया है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा, कनाडा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को कैप करने का मतलब है कि उनको बंद करने जा रहा है। और अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर किसी कंट्री का आता है तो वो सिर्फ इंडिया है। इंडिया से लगभग 40-50% स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से जाते हैं, मतलब अगर हम बाकी सारी कंट्रीज को भी जोड़ लें, वहां जहां जहां से कनाडा में स्टूडेंट जाते हैं, तो कनाडा में से इंडियन स्टूडेंट की जो गिनती है सबसे टॉप में है। तो अगर आने वाले टाइम में कनाडा कुछ ऐसा काम करता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया को होने वाला है, पंजाब को होने वाला है, हरियाणा को होने वाला है, गुजरात को होने वाला है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा स्टूडेंट वहां पे जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट बताना चाहूंगा, आप लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर देखिए, अब ये जो कैपिंग की जा रही है स्टूडेंट, इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है हाउसिंग क्राइसिस। मतलब उनका कहने का ये है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में एंटर होते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाउसेस जो है वहां पर अवेलेबल नहीं है। आप भी न्यूज में सुनते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को घर नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, ये एक प्रॉब्लम वहां पे चल रही है, जिसकी वजह से प्रपोजल ये दिया गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को कम करना चाहिए। अगर इसमें से कटौती होती है 5%, 10%, 20%, 30% जितनी भी होती है, तो इसके जो जितने भी इफेक्ट्स पड़ेगा सारे का सारा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यहां से ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं वहां पर ही पढ़ने वाला है। इस न्यूज के बहुत सारे पहलू हैं, इसका एक तो ये रीजन बताया जा रहा है, दूसरा रीजन इसका इलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि अक्टूबर 2025 में कनाडा में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले हमेशा कोई भी गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो रिकॉर्ड है वो खराब हो या लोग उसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट करें, कभी भी अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहेगी, तो इसलिए भी ये डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये प्रपोजल दिए जा रहे हैं डिफरेंट जो वहां पर ऑपोजिशन पार्टीज हैं या जो भी वहां के जो मीडिया है, वो अपने अपने प्रपोजल दे रहे हैं कि ये चीज होनी चाहिए। अब इस चीज को लेकर बहुत सारी स्टेट्स ने अपनी अपनी राय दी है, जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे क्यूबैक है, अटलांटिक कनाडा है, सस्कैचवान है, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि जब तक इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं आएंगे तब तक इनका बिजनेस बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकता है। तो डिफरेंट प्रोविंसेस अपने हिसाब से डिफरेंट रिस्पॉन्स कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रोविंसेस हैं वो इसी चीज के फेवर में हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको याद दिलवा दूं स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, $22 बिलियन की इकोनॉमी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 22 बिलियन पर ईयर रेवेन्यू कनाडा को इंटरनेशनल स्टूडेंट से आता है, और कनाडा कभी भी इस रेवेन्यू को लूज नहीं करना चाहेगा। हाँ, इसमें थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, मे बी IRCC के द्वारा, जहां कनाडा गवर्नमेंट के द्वारा, फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा सकती है, लेकिन मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा 10 अगस्त के बाद आपको क्या देखने को मिला। पहले लैंग्वेज 6 ईच रिक्वायर्ड थे, मतलब कैपिंग लगी हुई थी, ऑलरेडी कैपिंग लगी हुई थी कि क्वालिटी स्टूडेंट उनको ज्यादा चाहिए था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवरऑल 6 बैंड कर दिया, 4-5 टेस्ट और अप्रूव कर दिए, तो आप लोग खुद सोचिए कनाडा पॉजिटिव तरफ जा रहा है, ना कि नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये न्यूज चल रही है, प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर कोई कैपिंग लगेगी। फिर भी अगर कोई ऐसी न्यूज आती है आने वाले टाइम में, तो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी।
चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को छोटा सा लाइक देके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।